नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। वर्ग एक, वर्ग दो, वर्ग तीन, खास करके वर्ग एक के अभ्यर्थी जो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, परेशान हैं। वर्ग दो की पिटीशन तो आपको चूंकि पता है, आपको 40-50 लग रही। वर्ग एक के अभ्यर्थियों के पास एक बड़ा विकल्प है, खासकर उनके लिए जिनके एक नंबर, दो नंबर या आधे नंबर जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उनके लिए एक सुखद सूचना इस बात की है कि मध्य प्रदेश PSC ने इस चीज़ को अडॉप्ट किया है, एक केस के संदर्भ में अडॉप्ट किया है कि वो आपको डिलीट क्वेश्चन के उतने जो है बोनस मार्क्स देगा। मतलब जितने डिलीट क्वेश्चन करेगा उसके जो मार्क्स है, जितने डिलीट करेगा पूरे मार्क्स में मार्क्स कट नहीं जाएंगे। सेम प्रोसीडिंग को अपनाया जाने वाला है किसमें, व्यापम में। ऐसा है क्या? नहीं, जब तक उस पर नकेल नहीं कसी जाएगी, जब तक उसके लड़ा नहीं जाएगा, तब तक वो चीज़ संभव नहीं हो पाएगी। चूँकि आप लोग पात्रता परीक्षा के विद्यार्थी हैं, तो जितने क्वेश्चन डिलीट हैं उनको लेकर के आप अपनी जो है पिटीशंस को अपने सब्जेक्ट के हिसाब से फाइल कर सकते हैं, और बहुत समझदारी के साथ फाइल करें। क्योंकि आप लोग क्या कहते हैं, पूरा भीड़ चाल में चलते हैं, एक कहीं चला गया तो फिर चलना है, पता ही नहीं पता कि कौन वकील कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, कौन केस फाइल कर रहा, कौन नहीं कर रहा। कई बार तो ऐसा मैं भी देखा हूँ कि केस तो फाइल हो गया लेकिन वकील साहब को प्रस्तुति नहीं हो पा रहे हैं, ना, ऐसी चीज़ मैं देखा हूँ कई बार। तो प्लीज़ थोड़ा सा सोच समझ करके, उससे क्या है बेनिफिट आप लोगों का, कि आपके समय की बात है, आपके पैसा तो ठीक है, चलो आना जाना चलता है, लेकिन समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो पहला प्रोसीडिंग इस चीज़ की, डिलीटेड क्वेश्चन को लेकर, इसके लिए मेरे पास काफ़ी बच्चे आए, तो मुझे लगा कि वीडियो बना देना चाहिए ताकि सभी मिल करके सम्मिलित रूप से हम एक पिटीशन को फॉलो करेंगे। इससे संबंधित जो भी जानकारी चाहिए तब चाहिए, मैं आपको नंबर जो है, मोबाइल नंबर जो है आपको इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चाहे तो लिख भी सकते हैं 7827282211, 7827282211, ये नंबर है, ठीक है, 7827282211। अब इस पर हम जो है क्या, कौन सा बेसिस को लेंगे? बेसिस वही हमारा PSC वाला, कि एक ही आपको पता है स्टेट में दो पॉलिसी क्वेश्चंस को लेके नहीं चल सकती। मतलब जो पॉलिसी MPPSC अपनाएगा सेम पॉलिसी अपनाना पड़ेगा व्यापम को, क्योंकि दोनों ही सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत काम करने वाली संस्थाएं, एग्जामिनेशन बॉडी है, और अगर प्रश्न वो रिडीट करती हैं तो उसका हर्जाना अच्छा व्यक्ति नहीं भरेगा, वरना उसको भरना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ तमाम चीज़ें दिमाग रखेंगे। तो वर्ग एक के लिए खास तरीके से बहुत सारे डिमांड की रुचि, एक वीडियो जो है स्पेशल बनाई जाए सर, इसलिए मैं आपके सामने वीडियो लेकर के आया हूँ ताकि आपका एक मार्गदर्शन हो सके, ये सफल भी हो सकता है और आपके लिए बड़ा बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने 40-50 के लिए अगर पिटीशन लगाया वर्ग एक वाले, तो डिलीट क्वेश्चन के लिए बिल्कुल लगा सकते हैं, क्योंकि डिलीट क्वेश्चन का केस बिल्कुल अलग है और 40-50 वाला मार्क्स बोला अलग है ना। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।